नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर जिले के दो दिवसीय दौरे पर कल बिजनौर पहुंचेंगे। यूपी के सीएम सबसे पहले मंडावर रोड स्थित नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही इसी स्थान पर जनसभा को भी मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री 3 सितम्बर को दौरा करने के बाद रात्रि में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों से योजनाओं को लेकर बात भी करेंगे। साथ ही इसी गेस्ट हाउस में वह विश्राम भी करेंगे। 4 सितंबर को सुबह 10:25 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर के स्वेहेडी में बन रहे मेडिकल कॉलेज का भी जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर जिले के दौरे पर 3 सितंबर व 4 सितंबर को रहेंगे। इस दौरे को लेकर अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। सीएम प्रोग्राम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर 3 सितंबर को शाम 4:10 पर नई पुलिस लाइन में उतरेगा। 4:15 से लेकर 4:25 तक वह मालन नदी के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करेंगे। साथ ही लगभग 6 बजे नवनिर्मित पुलिस लाइन में बनी बैठक में विकास योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद वह कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनिर्मित पुलिस लाइन से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नवनिर्मित पुलिस लाइन से पुरानी पुलिस लाइन पहुंचेगा, जहां पर 6:20 पर वह बिजनौर कलेक्ट्रेट के सभागार विदूर सभागार का भी लोकार्पण करेंगे। शाम को 7:15 पर वह जनप्रतिनिधियों को एवं पार्टी के पदाधिकारियों से वार्तालाप करेंगे। बिजनौर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करने के बाद 4 सितंबर को सुबह 10:25 पर कार द्वारा पुरानी पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहीं हेलीकॉप्टर से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा। उधर मुख्यमंत्री दौरे के कार्यक्रम आने के बाद से प्रशासन सभी तैयारियों को पूरा करने के किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।